एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। सो आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियां कैसे आ चुकी है और बच्चों के स्किन रूटीन को चेंज करना बहुत ही मस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। तो अभी समर में ना जो मसाज देना होता है, तो समर में किसी हम बड़ों को भी मसाज लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं हम। और अगर बच्चों को भी ना समर में उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही तेल से मसाज ना दिया जाए तो उन्हें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपके साथ पांच ऐसे ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो कि समर में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारे बच्चों की स्किन के लिए, एंड बच्चों को मसाज देना काफ़ी अच्छा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप कोई भी नई चीज़ अपने बेबी के लिए लेते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट अपने बेबी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसे कंटिन्यू करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑयल जो मेरा पर्सनली फेवरेट है और समर के लिए बेस्ट ऑयल है, वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल कई टाइप के होते हैं, आपको मार्केट में कई तरह के कोकोनट ऑयल मिल जाते हैं, बट आपको जो कोकोनट ऑयल बेबी के मसाज के लिए चूज़ करना है वो होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो कि स्पेशली बेबी के लिए बना होता है, बेबी के मसाज के लिए बना होता है, वो आप लेंगे ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोकोनट ऑयल में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसे बच्चों को मसाज देने पर उन्हें ठंडक देता है बॉडी को और काफ़ी ईजिली स्मूथ बनाता है। बच्चों में अगर रैशेस की प्रॉब्लम होती है तो इसमें एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो रैशेस को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोकोनट ऑयल समर के लिए बेस्ट होता है। तो जो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ वो है निर्मल का कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इस ऑयल से मैं उसे लास्ट ईयर से मसाज दे रही हूँ और इसी ऑयल से मैं उसे सिर्फ विंटर में छोड़ के सारे सीजन में मैं कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करती हूँ, बॉडी मसाज और हेयर के लिए दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ, वो मैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस बारे में बात करने पे। तो काफ़ी सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होने के वजह से कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है समर में यूज़ करना, इवन बोल सकते हैं कि बेस्ट होता है समर में यूज़ करना। नेक्स्ट ऑयल है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल टेक्सचर का होता है तो आप समर में भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बेबी को सूट करता है तो, क्योंकि वो भी ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी चिपचिपा फील नहीं करती और काफ़ी लाइट टेक्सचर का होता है और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके बेबी को विंटर में एज वेल एज समर में भी सूट कर रहा है तो आप उसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। है तिल का तेल जो बोलते हैं, तो तिल का तेल का प्रॉपर्टी, ऐसा कई लोगों को लगता है कि तिल खाने में गर्म होता है इसलिए उसका ऑयल भी गर्म होता है, बट ऐसा नहीं है। तिल का तेल जो होता है वो ठंडा होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ठंडक देने वाली होती है। तो आप समर में तिल का तेल भी अगर आपके बेबी को सूट करता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल ऐसा कई लोग मानते हैं कि समर में काफ़ी गर्म होता है, लेकिन अगर कई बच्चों को मस्टर्ड ऑयल सूट करता है और काफ़ी अच्छा सूट करता है, अगेन मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमारी मम्मी दादियाँ सब लोग हमें भी मस्टर्ड ऑयल ही लगाया गया होगा उस ज़माने से। तो मस्टर्ड ऑयल काफ़ी पुराना और बेस्ट ऑयल माना जाता है, और समर में भी अगर आपके बेबी को सूट कर रहा है तो आप मस्टर्ड ऑयल कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर मस्टर्ड ऑयल आपको लगता है कि थोड़ा गर्म हो जाता है समर में, तो आप उसे एक काम कीजिए, ठंडे पानी को एक बाउल में लीजिए और दूसरे बाउल में मस्टर्ड ऑयल लेके उस पानी के ऊपर कुछ देर के लिए रख दीजिए और फिर उससे बच्चे की मसाज करिए, तो मतलब हीट रैश जो होने के चांसेस रहते हैं मस्टर्ड ऑयल से वो नहीं होते हैं, उसे आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हिमालय का जो ऑयल मसाज ऑयल आता है, वो भी काफ़ी लाइट इन टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से आप उसे भी समर में यूज़ कर सकते हैं, कि वो भी चिपचिपा नहीं होता है, इजी टू अब्जॉर्ब होता है एंड लाइट इन टेक्सचर होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने अपने बेबी के ऊपर समर में भी उसे यूज़ किया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर आपके बेबी को ये सूट करता है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब फेवरेट है वो है कोकोनट ऑयल समर के लिए, ओवरऑल समर के लिए। इवन कोकोनट ऑयल को मैं भी समर में यूज़ करती हूँ अपने हेयर वगैरह में,
तो काफी अच्छा होता है। तो ये कुछ ऑयल के नाम थे जो कि समर के लिए, बेबी मसाज के लिए बेस्ट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।